जी हमें सरकार से और कोर्ट से पूरी उम्मीद है। ठीक है, मानते हैं सच्चाई कभी लेट उभर कर आती है, तो हम सत्य की तरफ खड़े हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, पर जब तक कितना भी टाइम लगा लो हम, क्योंकि एक वो हमारा पर्सनल नुकसान नहीं, हमारे देश को भी नुकसान होने लग रहा है ये, क्योंकि इसी साल हमारे दो मेजर टूर्नामेंट हैं, एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई। जेकेबी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर। जिस तरह से यहाँ के हालात हैं, जिस तरह से देश मेडल लाने के बाद जिस तरह से उनको सम्मान दिया गया, आज वही यहाँ जंतर मंतर में धरना पे बैठी है, ये बहुत शर्मनाक बात है। सरकार को ये सोचनी चाहिए कि किस तरह से यहाँ देश की बेटियाँ जो हैं, जो एक गौरव बढ़ाती है पूरे हिंदुस्तान के, भारत के, और इस तरह यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से आज 30 दिन के से ऊपर हो गया, महीना से ऊपर हो गया, और सरकार की जू तक नहीं रेंग रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, और जब ये हमारे जो बहनें हैं यहाँ पे बैठी हैं धरने पे, पूरा एक महीना हो गया है, तो उनकी बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और हम जब तक धरना यहाँ पर लगातार चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा, तो हम न्याय लेकर ही जाएंगे यहाँ से। न्याय तो एक महीना हो गया, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि न्याय मिलेगा आपको? देखिए जी, हमें सरकार से और कोर्ट से पूरी उम्मीद है। ठीक है, मानते हैं सच्चाई कभी लेट उभर कर आती है, तो हम सत्य की तरफ खड़े हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, पर जब तक कितना भी टाइम लगा लो हम, क्योंकि एक वो हमारा पर्सनल नुकसान नहीं, हमारे देश को भी नुकसान होने लग रहा है ये, क्योंकि इसी साल हमारे दो मेजर टूर्नामेंट हैं, एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट है, तो दो मेजर टूर्नामेंट हैं, तो हम तैयारी नहीं करेंगे तो वहाँ से मेडल कहाँ से आएंगे? मेन मुद्दे क्या हैं ये बताइए, सगेन मुद्दे क्या, क्या डिमांड है आप लोगों की, क्या मांग है? जी हाँ, जो फेडरेशन के अध्यक्ष भूषण सिंह हैं, उन्होंने उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज करवाया गया है, तो उस पर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कितनी लड़कियों के साथ ऐसा, कितनी पहलवानों के साथ? देखिए, जो काफ़ी लड़कियाँ हैं, गिनती भी नहीं पता कितनी हो सकती हैं, पर अभी जो FIR दर्ज हुई है 7-8 लड़कियों ने, उनमें किनका किनका नाम है? देखिए, नाम नहीं बता सकते हम इनके, क्योंकि एक लड़की है और सबकी इज्जत होती है, तो हम उजागर नहीं कर सकते उनका। और 7-8 लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है, बाद में भी कुछ लड़कियां आई हैं कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, पर क्या करें, फैमिली का प्रेशर है या कोई और प्रेशर है, उस कारण हम सामने नहीं आ पा रहे। तो काफ़ी लड़कियां हैं, इनकी कोई गिनती भी नहीं है। कुछ पहलवान जो ट्रेनिंग लेते हैं, आज मैंने देखा कि यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये फजूल का धरना दिया हुआ है, तो उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, कभी भगवान ना करे, पर फिर भी कभी उनके जो फैमिली मेंबर हैं, कभी उनकी बहन बेटी के साथ कुछ ऐसा घटना होगी ना, तब पता चलेगा। दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होता, पर मैं सभी की अपनी बहन बेटी एक समान समझ कर, अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते कोई बात नहीं, पर कम से कम चुप तो रहो, जो सत्य है उस पर तोड़े रहो, उसको तो उभरने दो। ऐसे वह याद बात करके हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग हैं, पर हम यहाँ पर, हमें कुछ भी हो जाए क्योंकि हम सत्य की तरफ हैं और हम पीछे नहीं हटे। फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि 15 रुपये का जो मेडल है, इस तरह से बयानबाजी वो देते हैं कि 15 रुपये का मेडल वो जो है वापस कर रही हैं लोग, कर रहे हैं लोग, उनको जो है कैश करोड़ों रुपया मिला, वो क्यों नहीं वापस कर रहे? जी बिल्कुल, उसको पता नहीं, क्योंकि उनको तो ठीक है, कुर्सी पर बैठ के वो बोल देते हैं कि 15 रुपये का मेडल है, उसको पता नहीं हमारी कितनी दिन रात की मेहनत उसके पीछे लगी होती है। एक लगभग 15 साल का करियर होता है, तब जाके एक मेडल हमारा आता है, तो आप लोगों को वो ऐसे बोल रहे हैं कि 15 रुपये का मेडल है। और एक हमारी जो फैमिली है, उनसे पूछ कर देखो कि हमारे खाने पीने पर कितना खर्चा करती हैं वो, तो और बोल रहे हैं कि पैसे वापस कर दो। पैसे उसने तो नहीं दिया, पैसा सरकार ने दिया है हमें, सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसने दिया है आप तो सरकार से ही डिमांड कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, सरकार से सुनेगी तभी तो हमें न्याय मिलेगा, हमें उन पर पूरा विश्वास है, और हमारे जो कोर्ट वगैरह उन पर विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है पूरा, कि हमें पूरे हमारे साथ निष्पक्ष जांच होकर हमें न्याय मिलेगा।
क्या नाम हुआ आपका पूरा? मेरा जितेंद्र किन्नाय, मैं अंतर्राष्ट्रीय राशन। जितेंद्र किन्नाय जी का कहना है कि जिस तरह से 15 रुपये का मेडल की बात है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेडल जो होता है वो अनमोल होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। जब वो वापस की जा रही है, उनका सम्मान को वापस की जा रही है, तो ये करोड़ों रुपया कोई मायने नहीं रखता, यही इनका कहना है। और ये देश की बेटियाँ इस तरह से जिस तरह से ये धरने पर बैठे हैं, अब महीनों रोज से ज़्यादा होने वाले हैं, आज एक महीना एक दिन होने वाला है। इस तरह देखना पड़ेगा सरकार को, और सरकार जो है इस पे आँख खोले और दिमाग भी खोले, ये देखे कि किस तरह से हमारी बेटी बहन जो है इस तरह से धरने में बैठी है।